जय श्री कृष्ण मित्रों, ओम नमः शिवाय। आप सभी को सावन शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के लिए चमत्कारी उपाय लाया हूं, जिसको करने से सफलता आपके कदम चूमेगी। आपने अक्सर सफलता प्राप्ति के लिए बहुत से उपाय किए होंगे, टोटके किए होंगे, काफ़ी लोगों का सहारा भी लिया होगा, लेकिन आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई होगी। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको आवश्यकता पड़ती है सही मार्गदर्शन की। अगर आप तंत्र मंत्र द्वारा अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए तंत्र मंत्र, यंत्र, वशीकरण, काले जादू की जानकारी लेके आता रहता हूँ। अब मैं आपको उपाय के बारे में बता देता हूँ कि किस तरह से आपको ये उपाय करना है। उपाय बहुत ही आसान है और आप सभी को पता ही होगा कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको कोई ना कोई ज्ञान जरूर देता हूँ। अक्सर आपने वशीकरण, काले जादू या सफलता प्राप्ति के लिए, समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए काफी लोगों से संपर्क भी किया होगा और बहुत से प्रयास भी किए होंगे और बहुत से उपाय भी किए होंगे, लेकिन आपको सफलता प्राप्ति नहीं हुई होगी। जिन लोगों को सफलता की प्राप्ति हो गई है, उन्होंने हमेशा सही मार्गदर्शन का सहारा लिया है। अब मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ ढोंगी पाखंडी लोगों से, जो ना चाहते हुए भी आपको अंधविश्वास, तंत्र मंत्र, यंत्र गलत राह दिखा रहे हैं। इससे आपकी समस्या का समाधान तो होता नहीं है, आपकी समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। वो सिर्फ आपसे पैसों की ठगी करेंगे और वो कुछ नहीं करने वाले आपका। सावधान रहें, किसी को भी नाम फोटो ना दें, किसी को भी पहले पैसा ना दें, किसी के भी अकाउंट में पैसा जमा ना करें। बहुत सी कन्याओं का, स्त्रियों का मेरे पास फोन आते हैं, वो बताते हैं कि उन्होंने काम कराने के लिए फलाना को या किसी को पैसे दे दिए हैं, उन्होंने काम तो किया नहीं। अगर वो पैसे वापस भी मांगते हैं तो वो उन्हें गाली गलौज देते हैं। आप सबके लिए मैं रोजाना वीडियो में आपको सावधान करता हूँ कि ऐसा कार्य करने के लिए पैसा ना दें, क्योंकि ढोंगी पाखंडी भूत हैं, वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए आपको गलत राह दिखा रहे हैं। अगर कोई आपको गारंटी के साथ बोलता है कि काम करेगा, आप उनकी बातों में आ जाते हो और आप उन्हें पैसा भी दे देते हो। अगर वो गारंटी लेके काम कर रहा है तो थोड़ा सा दिमाग आप भी लगा सकते हो। जब उस इंसान ने गारंटी ले ही ली है आपके काम करने के लिए, तो वो पैसा बाद में भी तो ले सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो आपसे किसी ना किसी बहाने पैसा ले लेते हैं, आप उन्हें पैसा दे देते हो। ऐसे बहकावे में बिल्कुल ना आए। अब मैं आपको उपाय के बारे में बता देता हूँ कि किस तरह से आपको ये उपाय करना है। आपको ये उपाय सावन में करना है। आप इस उपाय द्वारा किसी का वशीकरण भी कर सकते हो, अपने व्यापार को बढ़ा सकते हो, पारिवारिक समस्या चल रही है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तब भी आप ये उपाय कर सकते हो। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा आपका, अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या है तो इस उपाय द्वारा आप समाधान कर सकते हो। सावन का महीना चल रहा है, महादेव की कृपा पाने के लिए लोग ना जाने क्या क्या करते हैं। लोग अपने कंधे पर कावड़ उठाए हुए, गंगा जल बहुत ही पवित्र है, जो कि पैदल यात्रा करते हुए सैकड़ों किलोमीटर तक पैदल चलते हैं सिर्फ महादेव की कृपा पाने के लिए, और उनको सफलता मिलती भी है। महादेव को मनाना आसान नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने महादेव को मना लिया है उनके ऊपर हमेशा महादेव की कृपा बनी रहती है, जिससे उनके परिवार में हमेशा सुख रहेगा, व्यापार उनका बिल्कुल ठीक चलेगा, कोई कार्य कर रहे हैं तो उनमें उनको हमेशा सफलता ही मिलती है। यह अवसर बार बार नहीं आता, तो कृपया आप जल्दी से जल्दी ये उपाय कर लीजिएगा। 11 दिन, 16 दिन या 21 दिन आप बिल्कुल पवित्र हो जाइए। पवित्र रहने के लिए आपको 11 दिन जैसे आप ये उपाय करते हो तो आपको भोजन में प्याज लहसुन नहीं खाना, हमेशा अच्छा ही मन में सोचना है, किसी का बुरा नहीं करना। आपको धूमपान और मदिरा से दूरी बनाकर रखिए। आपको सिर्फ मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव। मन ही मन में आपको सिर्फ मंत्र का जाप करना है। ये आप किसी भी समय कर सकते हो। सुबह सुबह स्नान करके, महादेव की पूजा करके आप अपना दिनचर्या शुरू कर दीजिए। कम से कम 1008 बार मंत्र का जाप हमेशा जरूर करिए। अगर उससे ज्यादा भी हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। जैसे कि आपको किसी का वशीकरण करना है तो मन ही मन में आप उस इंसान के बारे में सोचिए और इस मंत्र का जाप कीजिए। खुद ब खुद
वो इंसान आपके पास आ जाएगा, चाहे वो आपसे दूर क्यों ना हो। अगर आप अपने जैसे बिजनेस बढ़ाना चाहते हो या पारिवारिक सुख चाहते हो, परिवार में लड़ाई झगड़ा रहता है, तो मन बिल्कुल शांत रखिए और ओम नमः शिवाय ओम का सिर्फ जाप कीजिए। 11 दिन में आपको ऐसा परिणाम मिलेगा इसका, आपके ऊपर महादेव की कृपा बनी रहेगी। और शिवरात्रि पर सुबह स्नान करके शिव जी के मंदिर जाइए, शिवलिंग पर दूध दही शहद भांग धतूरा बेलपत्र आदि चढ़ाएं और चढ़ाते समय हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय ओम का जाप करते हुए पूजा कीजिए। और उपवास जरूर रखिएगा शिवरात्रि वाले दिन, आपके सभी पापों का नाश होगा, आपके ऊपर महादेव की कृपा बनी रहेगी। कावड़िए हैं, उनकी सेवा जरूर करें। कावड़ियों की सेवा करने के लिए बहुत से लोग मेहनत करते हैं, जैसे कि शिवर लगाते हैं, कावड़ियों की सेवा करते हैं ताकि उनको राह में किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। जब आप लोग कावड़ियों की सेवा करते हो तो स्वयं भोलेनाथ आपके ऊपर प्रसन्न होंगे, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, और ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगली वीडियो आपको किस विषय में चाहिए नीचे कमेंट कर दीजिए। अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराजमान देता हूँ। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा।